हेलो फ्रेंड्स, वेलकम करता हूं मैं आपके ही अपने प्यारे यूट्यूब चैनल में होम गार्डनिंग में। और आज मैं आपको दिखाने वाला हूं, ये देखिए, ये है काली मिर्च का पौधा, यानी कि ब्लैक पेपर और वाइट पेपर। वाइट पेपर इसको कहा जाता है जब ये कच्ची अवस्था में होता है, वाइट कलर का इसका जो सीड होता है उस टाइम तक इसको वाइट पेपर कहा जाता है, यानी कि सफ़ेद मिर्च कहा जाता है। लेकिन जब इसको प्रोसेस कर लिया जाता है, इसको उबाल लिया जाता है, उसके बाद में धूप में सुखा दिया जाता है स्टीम देने के बाद, और उसके बाद में इसका जो कलर है सीड का वो ब्लैक होने लग जाता है। इस वजह से फिर इसको काली मिर्च कहा जाता है, यानी कि ब्लैक पेपर कहा जाता है। ये एक सर्व प्रचलित एक मसाला है, मसाले के रूप में इसका उपयोग किया जाता है किचन के अंदर। ये जो काली मिर्च के बिना आप इस मसाले को अधूरा समझ सकते हैं, क्योंकि ये इसके बहुत सारे मेडिसिनल यूजेस भी हैं, और इसके अलावा ये खाने को टेस्टी बनाता है, मसाले के रूप में इसका उपयोग होता है। और इसके पौधे को भी हम बहुत ही आसानी से अपने घर पर उगा सकते हैं। तो चलिए मैं स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाता हूँ, इसके बारे में सारी इसकी जानकारी देता हूँ। ये देखिए, ये जो आप काली मिर्च का पौधा देख रहे हैं, ये एक बेल वाला पौधा, यानी कि एक वाइन है, यानी कि एक क्रीपर है। इसको बहुत ही आसानी से आप अपने घर पर उगा सकते हैं, उसके बाद में मल्टीप्लाई इसको कर सकते हैं। जो किचन के अंदर हमारे जो काली मिर्च का जो बीज होता है, उससे बिल्कुल भी इस पौधे को नहीं उगाया जा सकता। इसके लिए जो फ्रेश सीड इसका जो होता है, बिना प्रोसेस किया हुआ जो सीड होता है, उसी से इसको उगाया जा सकता है। जिस तरह से किचन में रखी हुई जो इलायची का, जो हमारे पास इलायची होती है, उसके बीजों से पौधे को नहीं उगाया जा सकता, बिल्कुल उसी तरह से जो हमारे किचन के अंदर जो काली मिर्च के बीज होते हैं, उन काली मिर्च से बिल्कुल भी इस पौधे को नहीं उगाया जा सकता, क्योंकि वो ट्रीटेड होते हैं, उनको प्रोसेस किया होता है। और ये जो पौधे उगते हैं वो बिल्कुल इसके लिए कच्चा सीड होता है, जो कि जैसे ही इसके प्लांट से इसको हार्वेस्ट किया जाता है सीड को, उसके बाद में इसको ग्रो कर सकते हैं, तो बहुत ही इजीली हो सकता है। इसके अलावा बात करते हैं, ये देखिए दिखने में काफ़ी खूबसूरत होता है, डार्क ग्रीन, बिल्कुल पान की पत्ते की तरह दिखने में है, और पत्ते भी इसके काफ़ी खुशबूदार होते हैं। जिस तरह से पान के जो पौधे के अंदर से खुशबू आती है, हल्की हल्की सी खुशबू इसमें भी पान के पत्ते की तरह से खुशबू आती है, और काफ़ी ये इफ़ेक्टिव एक मेडिसिनल यूज़ इसके बहुत सारे हैं, जो खांसी जुकाम सर्दी में भी इसका काम में लिया जा सकता है। और इसके अलावा मसालों के रूप में इसका सर्व प्रचलित है, सबसे ज़्यादा इसका जो यूज़ होता है वो मसाले के रूप में होता है। और अभी हम बात कर रहे हैं इसको ग्रो करने के बारे में। इसको ये देखिए, इस तरह जो काली मिर्च के बीज हैं इनसे नहीं उगता है, जबकि ये जो वाइट कलर में होते हैं, जब ये कच्चे बीज होते हैं उस टाइम पे इनसे पौधों को बहुत ही आसानी से उगाया जा सकता है। और बात करते हैं, इसको एक पौधे से आप बहुत सारे पौधे तैयार कर सकते हैं। इसके जहाँ जहाँ से पत्तियाँ निकलती हैं वहीं से इसकी जो रूटिंग स्टार्ट होती रहती है। अगर आप इसको कटिंग कर करके अगर इसको लगाते रहेंगे तो बहुत ही आसानी से, जिस तरह से मनी प्लांट और पान का जो पौधा होता है, पान और मनी प्लांट, उसी तरह से इसको भी बहुत ही ईजिली ग्रो किया जा सकता है। बहुत ही आसानी से इसको कट कट कर करके बहुत सारे इसके जो प्लांट तैयार किए जा सकते हैं। बहुत ईजी टू ग्रो है, बहुत ही आसानी से उग जाता है। बात करते हैं इसके सनलाइट के बारे में, तो देखिए सनलाइट, इसको डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखा जा सकता, इसको सेमी शेड, यानी कि कुछ इनडायरेक्ट धूप इसको मिलनी चाहिए, इनडायरेक्ट सनलाइट के अंदर इसको रख सकते हैं। डायरेक्ट सनलाइट में रखते हैं तो इसकी जो पत्तियां हैं वो बर्न हो जाती हैं, और बहुत जल्दी पौधा आपका सूख जाता है, क्योंकि ये भी ह्यूमिडिटी लविंग प्लांट है, इसलिए इसको पानी की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है। पानी के साथ में इसको गर्मी की भी ज़रूरत होती है, लेकिन इसको सनलाइट में नहीं रखा जा सकता। गर्मियों के मौसम में और बारिश के मौसम में बहुत ही आसानी से ये ग्रो किया जा सकता है, बहुत ही आसानी से ग्रो हो सकता है। बात करते हैं इसके फर्टिलाइज़र के बारे में, तो देखिए फर्टिलाइज़र, क्योंकि इस पर जो सीड वगैरह लगते हैं काली मिर्च के, वो हमारे किचन में यूज़ किए जा सकते हैं, इस वजह से हम इसमें किसी भी तरह का केमिकल फर्टिलाइज़र इसमें यूज़ नहीं कर सकते। DAP, NPK या किसी भी तरह का केमिकल फर्टिलाइज़र इसमें यूज़ नहीं करना है। इसमें यूज़ कर सकते हैं हम काउडंग मेन्योर, यानी कि गाय से गोबर बनी हुई, गाय के जो गोबर से बनी हुई जो खाद होती है, इसके अलावा या फिर केंचुए की खाद, यानी कि जो वर्मी कंपोस्ट होता है वो आप इसमें दे सकते हैं। इसके अलावा आप एक जो और फर्टिलाइज़र मिलता है, जैसे सीविड एक्सट्रैक्ट कहा जाता है, सीविड एक्सट्रैक्ट जो है वो एक जो समुद्री घास होती है उससे बनाया जाता है, वो बिल्कुल ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र होता है, वो भी आप दे सकते हैं। इसके अलावा वर्मी कंपोस्ट और काउडंग मेन्योर, ये तीनों चीज़ इसमें दे सकते हैं। और अगर नहीं भी देते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन अगर इसको दे दिया जाए फर्टिलाइज़र, तो बहुत ही अच्छे से बहुत जल्दी ग्रो होता है, और इसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छे से बढ़ती रहती है। तो इस तरह से आप भी अपने घर पर इसको बहुत ईजिली उगा सकते हैं, इसकी जो कटिंग कर करके स्टेम को
आप इसको चाहें तो पानी के अंदर भी ग्रो कर सकते हैं, जिस तरह से मनी प्लांट को ग्रो किया जाता है, और चाहे तो मिट्टी के अंदर भी कर सकते हैं, कोकोपीट के अंदर भी कर सकते हैं। अब ये इसकी जो मिट्टी है उसमें पानी होल्ड होना चाहिए, क्योंकि इसको पानी की काफ़ी ज़रूरत रहती है, तो इसीलिए पानी इसमें ठहरना चाहिए। पानी जितना ज़्यादा इसके अंदर ठहरेगा उतना ही आपके जो पत्तों का जो है कलर जो है बिल्कुल लश ग्रीन रहेगा और देखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है। आप अपने घर पर भी इसको बहुत ही आसानी से उगा सकते हैं, इस तरह से किसी भी नर्सरी से ला के भी इसको उगा सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो इसके जो कच्चे सीड जो होते हैं, यानी कि जो वाइट पेपर होता है, वाइट पेपर जो सीड होते हैं उनको भी आप लाके इस तरह से पौधे को उगा सकते हैं। वाइट पेपर और ब्लैक पेपर दोनों इसी पौधे पर लगती है। जब तक इसको प्रोसेस नहीं किया जाता तब तक वो वाइट पेपर है, लेकिन जब इसको प्रोसेस कर लिया जाता है उसके बाद में ब्लैक पेपर बन जाता है। ब्लैक पेपर से किसी भी तरह से आप इसको ग्रो नहीं कर सकते हैं। इसको ग्रो करने के लिए या तो आपको लाने पड़ेंगे कच्चे जो सीड होते हैं इसके, जो प्रोसेस किए हुए नहीं है वो सीड लाने पड़ेंगे, या फिर आप इसके पौधे ला के, सबसे आसान तरीका है नर्सरी से पौधे खरीद के ले आएँ और फिर इसको लगा सकते हैं। जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होती है वहाँ पर भी ये बहुत आसानी से पौधा पनप सकता है, बहुत आसानी से चल सकता है, लेकिन इसके जो पानी का बिल्कुल ध्यान रखना है। अगर ओवर वाटरिंग भी इसमें हो जाती है तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि ह्यूमिडिटी लविंग प्लांट है और जितना ज़्यादा इसको पानी मिलेगा और जितनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी मिलेगी यानी कि उमस मिलेगी यानी कि गर्मी मिलेगी, उतने ही ज़्यादा से अच्छे से फलता फूलता है और बहुत ही अच्छे से इसकी ग्रोथ होती रहती है। तो ये देखिए अभी आप देख रहे हैं नए नए पत्ते हैं इस पर आ रहे हैं, और भी और मैं इससे बहुत सारे प्लांट और भी तैयार करने वाला हूँ, उनके बारे में मैं सेपरेट वीडियो बना के आपको दिखाऊंगा। उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो जरूर लाइक करें, कमेंट करें, चैनल पर पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।